दूर एक नाव है कोहरे के आगोश में, नैनी झील में। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखिए आज सुबह से नैनीताल में बारिश है, कितने का सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, अभी भी हल्की फुल्की बारिश है, झिमझिम झिमझिम सी। और आज तालाब में तालाब दिख रहा है, बिल्कुल कोई नाव नहीं दिखी, एक दिखी, दूसरी दिखी, तीन दिखी, तीन नाव इसमें दिख तो नहीं रही होगी। सामने यहाँ पर जहाँ पर बैंड हाउस के यहाँ पर थोड़ा सा बंद कर रखा है, यहाँ पर ज़मीन धस रही है, दरारें पड़ी पड़ी हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से आगे को बढ़ते हैं, थोड़ी बारिश तेज हो गई। रामन लगा, ये है पीछे सारी तवा। तो सब जगह तो वैसे भी खाली है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, बारिश में कोई नहीं निकला है, कुछ निकले हैं मेरे जैसे ही। तो अभी नैना देवी मंदिर के यहाँ को आए हैं हम, यहाँ भी श्रद्धालु तो नहीं दिख रहे हैं, एक आध जने दिख रहे हैं जो छाता में और थोड़ा दर्शन के आए हैं। सामने कहते हैं आपको जो मेन में यहाँ टेम्पल उसके दर्शन कराते हैं टीवी स्क्रीन पे। तो चले यहाँ से आगे को बढ़ते हैं और थोड़ा हो गया मार्केट, इंटरमीडियन मार्केट हो जाते हैं। देखो भूटे मार्केट, तो बारिश के मजे लेते हुए हम घर को चलते हैं थोड़ा और रेस्ट करते हैं। आज इस वीडियो में यही एंड करते हैं और यही अपडेट है कि कितने काफ़ी बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश है सुबह से, और घर में हम इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी कम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ आस पास कुछ नज़ारे तो दिख नहीं रहे। तो बैक टू वर्क। देखिए तिब्बतन मार्केट में यहाँ पर फंक्शन हो रहा है जो हर वेनेसडे रहता है, जुलाई 6th ऑफ जुलाई में हमारा दल्ला मस्जिद का बर्थडे होते हैं, 87 इस साल 87 का बर्थडे है, हमारा यहाँ प्रोग्राम भी होता है, हर साल होता है ये। अभी इस साल हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है जो कि ये महीना जो है पूरा जुलाई में हम सेलिब्रेशन महीना मंथ माने, इसलिए हम लोग हर वेडनेसडे में हम लोग यहाँ मंदिर में देवी का चढ़ावा होता है, उसके साथ शाम को यहाँ हम लोग
कल्चरल शो इसलिए किया कि दल्ला मस्जिद का बर्थडे होता है तो हम लोग को सेलिब्रेशन करना है, इसलिए ये पूरा है। आज लास्ट वेडनेसडे है महीना का, तो आज लास्ट है, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर जुलाई से शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैम ने अभी बताया, आज ये गाना जो है ज़्यादातर हमारा धार्मिक होता है, अपने तिब्बत का बारे में होता है, जो अपना हमारा देश में कैसा होता है, भगवान के नाम से हम लोग अपने देश को याद करके वो गाना में शब्द में ऐसे है जो आपको हिंदी में समझाएगा तो आपको आँख में आंसू आएगा, जैसे कि हम गुरुजी को हम कितना मानते हैं, हम देश को कितना मानते हैं, हम देश को कितना याद करते हैं, हम ये सब हमारे गाना में हुआ है। तो आप टिबेटन में हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा, जैसे मैं कभी टाइम मिलेगा तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, फिर आप समझ जाएगा कि हम कितना अपने देश को याद करता है। हम के 7 बज चुके हैं और अभी हम कहते हैं आप तिब्बतन फंक्शन देख रहे हो, अभी भी चल ही रहा है, आप साउंड सुन सकते हैं। ये पीछे भोटिया मार्केट है और इस साइड पर तिब्बतन मार्केट। मैं दिन में भी यहाँ पर आया था थोड़ी नाइटिंग ब्लॉग, तो चले देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर मौसम तो अभी भी क्लाउडी बना है और थोड़ा मार्केट में थोड़ा काम है, तो मार्केट की तरफ से जाते हैं और काम निपटा के चलिए। तो चलिए बनी रहिए वीडियो में, इतना खूबसूरत करना है, देखिए चारों तरफ बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादलों में घिरा हुआ नैनीताल, सरोवर नगरी जो अभी घिरी है बादलों से, और पहाड़ भी ऊपर नज़र कुछ नहीं आ रहे हैं, पीछे चाइना पीक है वो भी बादलों के पीछे, वहाँ पर टिफिन टॉप वो भी बादलों के पीछे। और देखिए खड़ी बाज़ार हम पहुँच चुके हैं, ये खूबसूरत सी बाज़ार है, प्रोग्राम है 17 लोगों का। देखिए जो लाइट लगी है और जो दुकान के बाहर से जो डेकोरेशन हुआ है पहाड़ी स्टाइल में, कुमाऊनी स्टाइल। इसी बाज़ार के बाद इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में। जैसे कि कोई मिला है मैं मिलती हूँ, कैसे हैं वो भी ब्लॉग में आ रही हैं अभी। चलिए ठीक है, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कोई आपको नई वीडियो पे।